भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद से ही सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं, या यूं कहें कि वो अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल इस साल चेन्नई सुपर किंग की ओर से रिलीज करने के बाद वो ऑक्शन में 2 करोड़ के बेस्ट प्राइस के साथ उतरे थे, लेकिन उन पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने भरोसा नहीं जताया और वो दोनों ही राउंड में अनसोल्ड रह गए। नीलामी में हुई अनदेखी के बाद अब सुरेश रैना ने बीसीसीआई से बड़ी अपील की है। दरअसल आपको बता दें, आईपीएल 2022 ऑक्शन में उम्मीद थी कि कोई न कोई टीम उन पर दाव जरूर खेलेगी, खासकर नई टीम लखनऊ सुपर जॉइंट से, जिसकी सीएसके से ज्यादा संभावनाएं थी, लेकिन इनमें से एक भी टीम ने उन पर विश्वास नहीं जताया और उन्हें अनसोल्ड की कैटेगरी में जाना पड़ा। लेकिन एक बार फिर उनका दुख छलक पड़ा है और उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से बिग बैश लीग या कैरिबियन प्रीमियर लीग जैसी विदेशी टी20 लीग में खेलने का अनुरोध किया है। दरअसल बीसीसीआई के नियमों की माने तो सक्रिय पुरुष क्रिकेटरों को विदेशी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोक दिया जाता है, भले ही उनका राष्ट्रीय अनुबंध हो या राष्ट्रीय चयन के करीब हो। बिना बोर्ड के अनुमति के भारतीय क्रिकेटर किसी भी विदेशी लीग का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। ऐसे में सुरेश रैना बीसीसीआई से विदेशी लीग में हिस्सा लेने के लिए अनुमति देने की अपील की है। मैं आपको बता दें, सुरेश रैना से पहले उन्मुक्त चंद हाल ही में बीबीएल टूर्नामेंट में डेब्यू किया था। बीसीसीआई ने सेवा निवृत्ति के बाद उन्होंने यूएसए क्रिकेट लीग की ओर से करार कर लिया था। इस फैसले के बाद उन्मुक्त चंद अपने जारी किए गए बयान में कहा था, ये पिछले कुछ साल कठिन रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से क्रिकेट को छोड़ने वाला नहीं था। अगर मुझे भारत में खेलने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे थे तो मेरे करियर के अगले 4 या 5 अहम साल कहां जाने वाले थे। मैं अभी भी ये सोचकर भावुक हो जाता हूं कि मुझे फिर कभी भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने भारत में खेलते हुए कुछ खास यादें बनाई हैं। खैर दोस्तों, सुरेश रैना को लेकर आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।